तो दोस्तों रसली ने शेयर किया हुआ है BS6 क्लासिक 350 एक डीलर के पास में से, एंड कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो इमेजेस है वो BS6 की नहीं है, BS4 की है। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है, बिकॉज मैंने भी इमेजेस बहुत क्लियरली बाजू में से पास में से देखी, तो इमेजेस जो है वो एडिटेड लग रही हैं, ये जो लोगो बनाया हुआ है वो एडिटेड लग रहा है, एंड एक्चुअल में ऐसा इमेजेस नहीं होगा, ऐसा लुक नहीं होगा, ऐसा बोला जा रहा है। और ये मेक माई ओन जो एक कॉन्सेप्ट निकाला था रॉयल एनफील्ड ने, उसके थ्रू थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चेंज किया, जो सीट है वो चेंज किया गया है, एंड जो कार्बोरेटर्स को हाइड करने की कोशिश की गई है, जो फ्यूल नॉब है वो नेक्स्ट मॉडल में दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें रसलिन ने शायद से फोटो एडिट करने के लिए, क्लिक करने के लिए, क्लिक बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए की गई हैं। बट कोई बात नहीं, अगर अगर एक टेंटेटिव आइडिया बताऊं आप लोगों को, तो ज़्यादा मॉडिफिकेशन चेंजेस वैसे भी नहीं आने वाला है, बिकॉज जो रेगुलर और टॉप सेलिंग मॉडल है क्लासिक, उसमें उतना ज़्यादा आपको मॉडिफिकेशन चेंजेस नहीं मिलेगा। ये जो मॉडल है जो आप देख रहे हैं, इन मॉडल्स में आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे और चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, FI मिल जाएगा, ट्यूबलेस का अभी कंफर्म नहीं है, किक स्टार्ट का कंफर्म है कि वो किक नहीं आने वाला, बट फिर भी अभी वो डाउट में, क्या पता रॉयल एनफील्ड उस सब चीज़ों को चेंज कर दे। एंड सीट थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, सीट सिटिंग पोजिशन का, हैंडल बार का पोजिशन वैसे ही रहेगा, लाइट फोकस रेट्रो लुक जो रहेगा वो वैसे ही रहने वाला है। तो उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखिएगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी, जो नेक्स्ट जेन जो क्लासिक थंडरबर्ड कही जा रही है वो डिफरेंट मॉडल होंगे, वो अलग से आएंगे। जो क्लासिक है, स्टैंडर्ड है, थंडरबर्ड है, ये सब मॉडल्स को छेड़ा नहीं जाएगा, बिकॉज इन सब का सेल अच्छा है। UC इंजन जो फॉर्मेट है वो वैसा ही रहने वाला है, पावर में उतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन चेंजेस नहीं होगा, बस कंबशन चैम्बर में थोड़े बहुत इग्निशन सिस्टम में चेंजेस मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि नए जो फ्यूल हैं, जो तेल आने वाला है, फ्यूल आने वाला है, उसको बर्न करने के लिए जो मॉडिफिकेशन चेंजेस चाहिए वही होने वाले हैं, बाकी एक्सपेक्टेशन उससे हाई नहीं होगी। तो दोस्तों आई होप आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, एंड ऐसे न्यूज़ से थोड़ा सा बच के रहिए, बस एक अपडेट की तरह लीजिए इन सब चीज़ों को, ज़्यादा इस पर भरोसा मत करिए। तो दोस्तों यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, क्या है आपका व्यू जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, एंड कोई सजेशन है तो आप जरूर आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए गुरु जी व्लॉग्स, ऐसी वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बाय।